यहाँ आपको आबर से आगाह करें, रूसी वजीर खारजा सरगे लारोफ और अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी के दरमियान टेलीफोनिक रहा। दोनों वजरा खारजा ने हम और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मजीद तफसीलात लेंगे वॉशिंगटन में मौजूद अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, क्या चीत हुई है मजीद इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में? आज अमरीका जॉन रूसी वजीर खारजा सरगे लारोफ के दरमियान शाम और यूक्रेन के मसले पर तफसीलन बात हुई है। अमरीकी दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़रा खारजा अगले बुध को ज्यूरिख में भी मुलाकात करेंगे, जिसके अंदर शाम के हवाले से खास तौर पर बात होगी। और रूसी वजीर खारजा उनका यह कहना है कि शाम के हवाले से जो बहरान है उसके ऊपर अमल इतफाक राय है का रूस का और यूरोपियन कंट्रीज का। उनका यह भी कहना था कि तनाजे से पाक तनाजे में ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसमें जो इस्तेहकाम है और तहफ्फुज़ है वो खास तौर पर मद्देनजर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि कल जो गुजरी है यहाँ पे बुध वाले दिन की सदर और प्यूटन जो रूसी सदर है उनके दरमियान भी इसी मसले के ऊपर तफसीलन बात हुई थी और उन्हीं की हिदायत के ऊपर आज इनकी आपस में बातचीत हुई है और मुलाकात भी स्केड्यूल हो गई है। और यहाँ पे आपको एक अहम बात बताता हूँ कि जो अमरीकी दफा सेक्रेटरी है एस्टन क्वार्टर, उन्होंने कल दो अमरीकी कमांडोज को उधर इराक और सीरिया में डिप्लॉय करने का भी ऐलान कर दिया है और कल उनकी डिप्लॉयमेंट के मुतालिक भी एक सरमनी भी अरेंज हुई थी। जी ठीक खुर्रम, हम देख रहे हैं कि गुजर रोज दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, अब वज़रा खारजा दरमियान जीत हुई है, तो क्या लग रहा है अब दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पे? इसमें बेसिकली जो इनके एक्चुअल जो जिसके ऊपर इनका डिस्प्यूट है जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर तो इनके कोई भी बातचीत नहीं हो रही। जो भी बातचीत हो रही है वो सऊदी अरब के हवाले से बातचीत हो रही है, दाइश और आइसिस के जो इन्फ्लुएंस है उधर सीरिया में उसके ऊपर बात हो रही है और इराक के ऊपर जो इस वक्त जो अमरीकी फौज उतरेंगी और वो कैसे उस एरिया के अंदर कैसे वो कमांड एंड कंट्रोल करेंगी उसके ऊपर खासतौर पर बात हो रही है। और जो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर इनका एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर बातचीत करने पे तैयार नहीं है। और खास तौर पे जो अमरीकी रूसी सदर है उन्होंने इस चीज को वाजे किया कि हमारे तहफ्फुज़ात जो एक्चुअल हैं वो वहीं के वहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद तफसीलात से आगाह करने के लिए।